पार्ट वन की स्टार्टिंग हमारे मेन लीड चोन से होती है, जो कि एक बस में था। और हमें एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि चोन एक पुलिस वाला है और वो ताओ रॉन्ग डिस्ट्रिक्ट जाकर वहाँ के केस सबको हैंडल करना चाहता है, पर दूसरे ऑफिसर उसे अलाउ नहीं कर रहे हैं बिकॉज चोन के डैड जनरल है और उन्होंने उसे उस डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर करने से साफ इनकार कर दिया है। बट चोन अपनी जिद में अड़ा हुआ था कि उसे वही जगह जाना है और वो अपने डैड को प्रूफ करना चाहता है कि वो सब कुछ अकेले कर सकता है। और तभी वहाँ एक सर्वेंट आकर जबरदस्ती चोन को कॉफी देती है बिकॉज ये उसके डैड का ऑर्डर था। और इस चीज से हमें चोन काफी इरिटेट लग रहा था। और अब हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहाँ हमें पता चलता है चोन ताओ रॉन्ग डिस्ट्रिक्ट आ चुका है। बट फिर चोन बस रुकवाता है बिकॉज उसका गिटार छूट गया था और वो बस वाला आदमी उसे ऐसे गिटार फेंक के देता है जिस वजह से वो घास के अंदर घुस जाता है। और अब चोन इस डिस्ट्रिक्ट के बच्चों से बात करने की कोशिश करता है बट वो लोग उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। और इधर हम हमारी फीमेल लीड कायू को देखते हैं जो कि अजीब से लुक में थी और वो बस एक ही बात रटे जा रही थी, पेरिस, मिलान, लंदन, न्यूयॉर्क। बट तभी वहां उसकी मॉम आकर बोलती है ये सब कुछ नहीं, बस ताओ रॉन्ग। वैसे तुम फॉरेन सिटीज का नाम क्यों ले रही हो, तुम तो ताओ रॉन्ग में रहती हो ना। तो कायू बोलती है यहाँ जाना मेरा सपना है, वैसे भी हमें सपने देखने चाहिए तब ना वो पूरे हो सकेंगे। तो मॉम बोलती है जो भी हो अब सपने से जाग जा, पॉप और पा सोए हुए हैं, जाग कर जगाओ उन्हें वरना वो स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। और ये सुन कायू जल्दी जल्दी वहाँ से भागती है और जाकर पॉप और पा को स्कूल के लिए रेडी करने लगती है। हालांकि वो दोनों बच्चे नींद में थे और इधर कायू के डैड इस चीज़ के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे कि बाय चांस कभी जिंदगी में कोई क्रिमिनल उनके सामने आ जाए तो उन्हें कैसे डरा के भगाया जाए। बट मॉम वहाँ आकर उनके सर में मारती है और उनके नॉनसेंस काम को यहीं रोकने को बोलती है। और तभी वहाँ पॉप और फा और कायू आते हैं और डैड उन्हें खाना सर्व करते हैं जहाँ बच्चे खाना खा ही नहीं रहे थे, जिस वजह से कायू उन्हें बोलती है अगर खाना फिनिश नहीं किया तो बहुत गंदा मारूंगी। बट बच्चे फिर भी नहीं मानते और डैड उन्हें आइसक्रीम का लालच देते हैं तो बच्चे फटाफट खाने लग जाते हैं। और यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि पॉप और फा कायू के बच्चे हैं, यानी कि कायू का कोई ना कोई पास्ट ज़रूर है जो कि आपको आगे चलकर पता चलेगा। और अब कायू इनको स्कूल छोड़ने के लिए लेकर जाती है और मॉम डैड को बोलती है कि हमने गलत डिसीजन लिया था कायू के पहले शादी के लिए। तो डैड बोलते हैं किसी को भी क्या पता था कि चीफ विनीत इतनी छोटी उम्र में गुजर जाएंगे। और यहाँ इनके बातों से हमें ये साफ क्लियर हो जाता है कि कायू के हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। और इधर जैन आकर कायू को ऑफर देता है कि वो उन लोगों को राइट दे देगा बट कायू साफ इनकार कर देती है जिस वजह से जेन उन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने कार से उनका पीछा करता है। गाइज आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। और कायू अब बच्चों को स्कूल लाकर छोड़ देती है और वहां से तुरंत भाग जाती है। बट बच्चों की टीचर जिंग को जेन पर बहुत इंटरेस्ट था इसलिए वो उसे बोलती है अगर आप फ्री हो तो जल्द ही बच्चों को वाइल्ड एनिमल के बारे में बताने के लिए आ जाना। और जेन उसकी बात मानकर तुरंत वहाँ चला जाता है। और इधर हम चोन को देखते हैं जिसके फ़ोन में ज़रा सा भी नेटवर्क नहीं था जिस वजह से वो कैब बुक नहीं कर पा रहा था। बट तभी वहाँ एक गाड़ी आती है और चोन उनसे लिफ्ट मांगता है और वो तुरंत मान जाते हैं। और अब बहुत मुश्किल के बाद फाइनली चोन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के ऑफिस पहुँचता है और चोन हमें इससे काफ़ी ज़्यादा खुश दिख रहा था। तभी वहाँ बहुत सारे ऑफिसर्स आते हैं चोन का वेलकम करने के लिए। और अब डिस्ट्रिक्ट चीफ चोन को टर्टल गॉड के पास लेकर आते हैं जिसे देखकर चोन को काफ़ी अजीब लगता है। और अब चोन यहाँ का न्यू चीफ बनने वाला था इसलिए परंपरा के हिसाब से उसे एक बेल बजानी होगी जिससे कि गॉड को भी ये पता चल सके कि वो यहाँ का न्यू चीफ है। और जब चोन बैल को देखता है उसे काफ़ी हैरानी होती है बिकॉज वो बैल काफ़ी ऊंची थी और चोन को छलांग लगा के उस बैल को बजाना था जो कि काफ़ी मुश्किल था। और चोन बैल
कभी और नहीं बजा सकता, उसे आज ही बजानी होगी, बिकॉज अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसका बैड लक स्टार्ट हो जाएगा और वो मर भी सकता है। और बेचारा चोन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, इसलिए वो बहुत मुश्किलात से घंटी के पास पहुंचता है और सारे लोग उसे चीयर अप कर रहे थे और एट द एंड चोन बैल बजा ही देता है, बट उसे चक्कर आने लगते हैं जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है। और इधर कायू अपने न्यू ड्रेस का परफॉर्मेंस कर रही थी लाइव ऑन करके, इसमें उसके बच्चे उसकी मदद कर रहे थे, बट तभी वहाँ कायू की मॉम आ जाती है और उसे बताती है न्यू चीफ आ गए हैं और आज रात उनकी वेलकम पार्टी है और इन्हें भी वहाँ जाना है, बट कायू वहाँ जाने से मना कर देती है और अपनी मॉम को बताती है, उसने ऑनलाइन एक ड्रेस बेचती है। और अब मॉम आकर डैड को भी तैयार होने को बोलती है पार्टी के लिए, बट डैड वहाँ जाने से इनकार कर देते हैं बिकॉज उन्हें उन लोगों को नहीं देखना था। और इधर चोन को उसका सर्वेंट उसका न्यू घर दिखाता है जहाँ वो रहने वाला था, जो कि काफ़ी पुराना था, और सर्वेंट उसे बताता है हम यहाँ एमरजेंसी लैम्प रखते हैं बिकॉज यहाँ की लाइट ब्लैक आउट होती रहती है। तो चोन बोलता है ये घर इतना पुराना है तो क्या ये भी हर घर की तरह हॉन्टेड है, बट सर्वेंट इससे साफ इनकार कर देता है बट बहुत ही अजीब तरीके से। और अब सर्वेंट चोन को पूरा घर दिखाता है और चोन बेडरूम में जाते ही तुरंत सो जाता है, बेचारा इतना थका हुआ जो था। और इधर कायू अपने काम से बहुत खुश थी इसलिए उसने सोचा था वो आज सेलिब्रेट करेगी। और इधर चोन सोते हुए बेड से नीचे गिर जाता है और तब उसे रियलाइज़ होता है कि वो पार्टी के लिए लेट हो चुका है। और इधर हमारी कायू बीच रास्ते में ही फ़ोन में लगी भिड़ी थी और वहीं रास्ते से चोन भी आ रहा था और वो कायू को देखता है और ब्रेक मारने की कोशिश करता है बट नहीं हो पाता, जिस वजह से उसे कार से कायू की बाइक को हल्का सा धक्का लग जाता है, जिस वजह से इन दोनों में झगड़ा होने लगता है। और कायू ये बहाना मारती है कि वो बीच रास्ते में इसलिए रुक गई थी बिकॉज आगे एक टर्टल था। हमारे इधर टर्टल की बहुत रिस्पेक्ट की जाती है जैसे कि इंडिया में काओ की जाती है। और अब कायू टर्टल को चोन के सामने लाकर उससे माफ़ी मांगने को बोलती है और बेचारा चोन ना चाहते हुए भी ये करता है। और अब चोन कायू से लिफ्ट मांगता है बिकॉज उसके कार का ब्रेक खराब हो गया था और कायू नोटिस करती है ये कार डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का है, बट उसे लगता है चोन न्यू चीफ का ड्राइवर होगा और एट द एंड वो उसे लिफ्ट देने के लिए मान जाती है। और अब ये दोनों पार्टी में आ जाते हैं जहाँ चोन कायू के बच्चे को देखता है और वो सोचता है इतने कम उम्र में इसके दो बच्चे हैं तो सोचो इसकी शादी कितने एज में हुई होगी। और अब चोन बाकी ऑफिसर्स के पास जाता है और उन्हें कार के प्रॉब्लम के बारे में बताता है और वो उनसे ये भी पूछता है कि यहाँ टर्टल को पूछने की कोई ट्रेडिशन है, बट उसे ऑफिसर साफ मना कर देते हैं और उसे बताते हैं यहाँ बस स्टेट्यू वाले टर्टल को माना जाता है। और ये सुन चोन समझ जाता है कि कायू ने उसको लोल बनाया था। और अब पुराने वाले चीफ एक लंबा सा स्पीच देते हैं अपने रिटायर होने के गम में और अब हमें न्यू चीफ यानी कि चोन से मिलवाया जाता है, जिसे देख कर कायू के मुँह से उसका खाना ही निकल जाता है। और कायू की मॉम को चोन काफ़ी हैंडसम लगता है और अब चोन स्टेज में आकर अपनी स्पीच देता है जिसमें किसी भी शख्स को इंटरेस्ट नहीं था सिर्फ कायू की मॉम को छोड़कर। अब चोन एक गाना गाता है और सब उसके साथ गाने लगते हैं और उसका मजाक भी बना देते हैं। और इधर पुराने वाले चीफ एक आदमी को बताते हैं एक डॉक्यूमेंट के बारे में जो कि चोन के घर में थी। और इधर डिस्ट्रिक्ट के बच्चे अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं और अब जब चोन कायू को देखता है तो कायू को बड़ा अजीब लगता है। और पुराने वाले चीफ आकर चोन को कायू की फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और अब पार्टी भी ख़त्म हो जाती है, बट वीरा कायू और चोन दोनों को स्टेज में बुलाते हैं बट कायू को स्टेज में जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था लेकिन उसे जाना ही पड़ता। और स्टेज में चोन कायू को एक गिफ्ट देता है और उन दोनों की फ़ोटो निकल जाती है। और वीरा बोलता है ग्रूम और ब्राइड के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां बजा दी जाए और ये सुनकर कायू और चोन को अजीब लगता है बट वीरा उन्हें बोलता है वो तो बस मजाक कर रहा था। और अब ये लोग सब एक साथ फ़ोटो निकालने लगते हैं बट तभी वहाँ चोन का सर्वेंट आता है जो कि चोन के कार में था और वो आकर सीधा स्टेज में कार को घुसेड़ डालता है। और अब बड़ी मुश्किल से चोन अपने सर्वेंट को घर लेकर आता है और इसी खुशी में सर्वेंट उसके सर में एक किस देता है
और उसे बोलता है अगर ऊपर जाओगे तो ध्यान से जाना बिकॉज बेडरूम में कोई जानवर भी हो सकता है। बट चोनू उसकी बातों को इग्नोर करके ऊपर चला जाता है और जब चोनू सोने के लिए चादर ओढ़ता है उसे रियलाइज होता है कि उसकी बॉडी में कुछ है और वो देखता है कि उसकी बॉडी में एक बड़ा सा सांप था जो देखकर उसकी क्या मेरी भी फट चुकी थी बिल्कुल। और वो बेचारा मदद के लिए चिल्लाने लगता है और वो डर से बेहोश हो जाता है और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। वेल गाइज, आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। There was a time when you had me fall into the ground.